हेलो भाई, शाम के 8 बजे हैं। मैं बाहर अपनी क्यारी के पास बैठी हूँ। श्रीमान जी आने वाले हैं, उनका इंतजार कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए जरूर कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करके। और रात का समय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं बाहर बैठी थी, थोड़ा सा मैं टहल भी रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि शायद आने वाले हैं, इससे मैं और आप लोग कैसे हैं? आप मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सनम लाल को जानते हो? वो भी नहीं। अगर तुम हमें चक्कर नहीं पड़े जाना तो तुम्हें दोबारा वैसे भी करना पड़े। हाँ सही है, एक ही बात कही कि हम कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर जलेबी बनाने वाली हूँ। मैंने चावल मिक्सी मैंने चावल धो मिक्सी में पीस लिया है, उसका घोल मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको छौंक बनाऊंगी। क्योंकि जलेबी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा जब टाइम बिल्कुल नहीं बचा होली का, 2 दिन बचे हैं, इसलिए मैंने सोचा बना लूँ। आज का टाइम है, बाकी फिर तो पकवान बनने में चला जाएगा, भुजिया वगैरह में। आपको हैप्पी होली एडवांस में। जलेबी बनाने के लिए उसका करने जा रही हूँ, कुकर में ही बनाऊंगी। आप चाहें तो भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में ही सारा काम कर रही, इसलिए मैंने निकाल दिया बर्तन, मैं इसी में कर रही हूँ। आधा किलो के चावल के जलेबी बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और फिर मैं इस घोल को डालूंगी इसमें। थोड़ा सा हो जाए, नीचे तेल का कच्चापन आएगा। आप लोगों ने भी सब कुछ बना लिया होगा, मेरा तो अब लास्ट है। मैं भी अब नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है। मुझे सब ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए गाइस, मेरा तेल हो गया, मैं इसमें अब जीरा डाल दूंगी। अब मैं इस घोल को इसमें डाल दूंगी।
इतना ही पानी और डाल देंगे क्योंकि उसको सही से पकाना रहता है। अगर पकेगा नहीं तो आपकी जलेबियाँ टूट जाएंगी। आज मैं फिर से जलेबी बनाने जा रही हूँ। खड़ी नहीं हो पाती हूँ इसलिए खड़े होके बना नहीं बैठ नहीं पाती। सुबह आई है, ये है मेरी बेटी और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने पैर की सिकाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे घुटने में बहुत दर्द है। ओके गाइस, आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। सुबह के 9 बजे हैं, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। अभी मैं पापड़ बना कर आई हूँ इसलिए ये देखिए मेरा नाश्ता रेडी है, बस मैं करने जा रही हूँ। और आप लोगों ने नाश्ता कर लिया कि नहीं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए गाइस मेरा होली गिफ्ट ये हमारी बिटिया रानी लाई है। एक कुर्ती है दो और ये खजूर है। ये देखिए वीडियो स्टैंड जिससे मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अब मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगने लगा है। लेके आई है गिफ्ट, बैग भी हैं दो और ये खजूर भी लाई खाने के लिए मेरे। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, सिंहासन पे मैया क्या खूब लगती हो। आज मैया ने अपनी माँ का श्रृंगार किया है, उनके कपड़े बदले हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय माता रानी, सारे कष्टों को हरना मैया मेरी, कृपा बनाए रखना माता हम भक्तों पर सब पर। के बिहारी की देख छटा मेरा मन लटा फटा, बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन हुई हो लटा फटा, बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन हुई हो लटा फटा। आई रे कनाई रंग ढंग से सुना दे जरा बांसुरी, आई रे कनाई रंग ढंग से सुना दे जरा बांसुरी।